साथियों, कोरोना के इस काल ने पूरी दुनिया को हम भारतीयों के अनुशासन, हम भारतीयों की समाज शक्ति का परिचय दिया है। अब जनता कर्फ्यू के दौरान पूरा देश कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हो गया तो पूरा विश्व हैरान हो गया था। कुछ लोग हमारे समाज को कोसते हैं, लेकिन इसी समाज ने दिखा दिया कि जब बात देश की हो तो उससे बढ़कर कुछ नहीं। जब सही दिशा मिले, सही उदाहरण मिले तो हमारा देश कितना कुछ करके दिखाता है, ये उसका उदाहरण है। आप एनसीसी और एनएसएस के युवाओं ने भी कोरोना के इस संकट में अपने सेवाभाव से सभी का दिल जीता है। अब आपके ये भी दायित्व तो है कि जो कुछ आपने एनसीसी में सीखा है वो सिर्फ जब यूनिफॉर्म पहना हो तभी काम में आए, ऐसा नहीं होता है। वो आपके पूरे जीवन में इसी तरह कैसे बना रहे, समय समय पर कैसे प्रकट होता रहे, आपको ये भी सोचना चाहिए कि एक कैडेट के तौर पर जो सीखा है उसका समाज को कैसे लाभ होगा। जैसे आप अगर किसी गांव में रहते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि कहीं उस गांव में कोई विद्यार्थी स्कूल छोड़ करके ड्रॉप आउट तो नहीं है। आप उससे मिलेंगे, उसकी दिक्कतें समझेंगे, उसकी पढ़ाई फिर से शुरू हो इसके लिए प्रयास करेंगे तो एनसीसी की भावना को आप आगे बढ़ाएंगे। आप स्वच्छता का अभियान को बढ़ावा देने के लिए भी अपने गांव, मोहल्ले, अपने शहर, कस्बे में अलग अलग टीमें बना सकते हैं, क्योंकि आपने यहां पर लीडरशिप के गुण सीखे हैं, अब उसको अप्लाई करना है समाज में। जिस तरह आपने समुद्री तटों की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान चलाया था, बहुत प्रशंसा पाई थी, वो एनसीसी के कार्यकाल के बाद भी जारी रहना चाहिए। जैसे आजकल देश में कैच द रेन, इसका एक जन आंदोलन चल रहा है। बारिश के पानी को हम कैसे बचाएं, जो हमारे तालाब है, जो झील है, उन्हें कैसे साफ रखें, इस दिशा में भी आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं।